आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं डायनामिक चार्ट्स की, और डायनामिक चार्ट की हमारी है सेकंड क्लास है। कल हमने आपको जस्ट चार्ट पे बटन सप्लाई करना सिखाया था, तो हम बात करेंगे चार्ट्स के अंदर और भी जो बटन्स है उनका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया नेम, और यहाँ पे हम नेम दे देते हैं, नीचे तक ड्रैग करते हैं, यहाँ पे मंथ हम दे देते हैं, जैन पे मार्च जो भी मंथ है हमारा हमने मंथ दे दिया, रैन बिटवीन की रैन बिटवीन की हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, इसको यहां तक नीचे तक ट्रैक कर देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमें इस पे चार्ट वन बाय वन चाहिए, चार्ट मतलब कि हमें पूरा का चार्ट नहीं चाहिए, हमें अलग अलग तरीके से चार्ट चाहिए। तो जैसे कल मैंने बताया था कि हमने यहाँ पे वन लिखा और यहाँ पे हमने ऑफसेट का फॉर्मूला लगाया, ऑफसेट के फॉर्मूला में मैंने ए वन को सिलेक्ट करके इस नंबर को सिलेक्ट करके कॉमा जीरो कर दिया, और फिर बाकी जगह पर ड्रैग कर दिया। बट ड्रैग करने से पहले हम वन जिसको सिलेक्ट किए थे उसको हम फ्रीज कर देते हैं, और यहां हमने इसको आगे की तरफ ड्रैग कर दिया, और फिर इसको सिलेक्ट करके हमने इंसर्ट में चार्ट्स ले लिया। अब मैं चाहता हूं चार्ट्स के ऊपर अपना कॉम्बो बॉक्स डाल, तो फिर हम डेवलपर टैब के अंदर गए और वहां से इंसर्ट किया फॉर्म कंट्रोल। ध्यान रखिएगा हम फॉर्म कंट्रोल ही ऐड करेंगे, एक्टिव एक्स कंट्रोल को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि एक्टिव एक्स कंट्रोल को अगर यूज करते हो तो आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। तो हम यहां पे आते हैं, कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करते हैं, और फिर इस कॉम्बो बॉक्स को यहां पे हम डिजाइन करते हैं। अब इसको हम राइट क्लिक करके जाते हैं फॉर्मेट कंट्रोल करके उसके लास्ट वाले ऑप्शन में, और यहां इनपुट पे आके हमने अपना इनपुट बटन सेलेक्ट कर लिया, जो लिस्ट है उस लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया, और लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद जहां अपडेट है उसको सिलेक्ट कर लिया, और यहां 3D सेटिंग कर देते ताकि 3D इफेक्ट में दिखे बटन थोड़ा सा। अब मैं यहां पे सिलेक्ट करता हूं पूजा, तो पूजा की सीरियल नंबर आ गया, मैं सिलेक्ट करता हूं नीरज, तो नीरज का सीरियल नंबर आ गया। ये चीजें हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था। अब इसमें अगला ऑप्शन जो आता है वो आता है कि मान लीजिए मुझे इसमें टारगेट भी ऐड करना है, तो हमने यहां पे टारगेट का दे दिया जी, क्या बोल रहे हैं राम जी, आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अतुल जी मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको ना? ठीक है, तो यहां हमने क्या किया, यहां हमने ऑफसेट की फॉर्मूला लगा के यहां पे टारगेट डाल देता हूं, और ऑफसेट फॉर्मूला से नीचे इसको हम करेंगे। तो ये मान लीजिए हमारा टारगेट है, तो नीचे हमने टारगेट ले लिया। अब यहां पे हम करते हैं कि मैं चाहता हूं जब मैं टारगेट यहां पे टारगेट का ऑप्शन देना चाहता हूं, क्लिक करेगा टारगेट पे तो टारगेट की कंपेयरिंग दिखानी चाहिए। तो हमने यहां चेकबॉक्स है, इस चेकबॉक्स को लिया और यहां पे हमने क्लिक कर दिया, राइट क्लिक एडिट टेक्स्ट पे आए और इस चेक बॉक्स टू को डिलीट कर टारगेट हम यहां दे देते हैं टारगेट, और इसको भी राइट क्लिक करके हम फॉर्मेट कंट्रोल में जाएंगे और सेल लिंक यहां सेलेक्ट करेंगे और इसको भी 3D कर देते हैं। इससे क्या हुआ कि जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहां ट्रू आएगा
अनक्लिक करूंगा तो फॉल्स, क्लिक करूंगा तो ट्रू, अनक्लिक करूंगा तो फॉल्स दिखेगा। और मैं यहां पे इफ फॉर्मूला लगाता हूं कि इफ अगर ए, यहां ए अगर ट्रू है तो टारगेट को शो करो, अदरवाइज ब्लैंक को शो करो। और फिर आगे ड्रैग करने से पहले जो ट्रू वाला ए 13 है उसको हमने फ्रीज करके फिर आगे की तरफ ड्रैग कर दिया। तो जैसे मैं टारगेट वाले बटन पे क्लिक करूंगा यहां पे ट्रू प्रिंट होगा, जैसे ही ट्रू प्रिंट होगा हमारा जो डेटा है वो शो हो जाएगा। देखिए, और फिर इसको हम चार्ट के अंदर में कंबाइन कर लेते हैं इस तरह से। अब मैं टारगेट को अनचेक करूंगा तो यहां से देखिए हट गया, टारगेट डाला वापस आ गया, टारगेट को अनचेक किया हट गया। ओके, अब मान लीजिए एक बार मैं टारगेट चार्ट की डिजाइन को चेंज करता हूं लेआउट से, या लेआउट से आप डिजाइन चेंज कर सकते हैं। और मैं इसको उठा के मैं नीचे रख देता हूं। उसके बाद मैं लाइनिंग भी हटा देता हूँ। हम क्या कर चाहते हैं कि हम दो नेम के बीच, दो पर्सन के बीच में कंपेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ इंसर्ट में एक ऑप्शन हमारे पास होता है लिस्ट बॉक्स। इस लिस्ट बॉक्स को हमने यहाँ इसको सेलेक्ट किया। हाँ सर बताइए, कुछ पूछ रहे हैं कि सर? हेलो, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? राइट क्लिक किया, फॉर्मेट कंट्रोल, इनपुट रेंज, और यहां 3D सेटिंग के साथ हम यहां सेल लिंक को यहां डाल देते हैं। अब मैं चाहता हूं जिसमें पूजा को सेलेक्ट किया तो यहां पूजा का भी यहां आना चाहिए। तो नीचे ही हम यहां एक कंडीशन और लगाते हैं कि इफ नहीं, माफ कीजिएगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने ऊपर दे रखा है ना, इसी हम फॉर्मूला नीचे देंगे हम, इसमें ये हम इसको सेलेक्ट कर देंगे सिंपल। और फिर हम चार्ट को सेलेक्ट करते हैं और नीचे तक लगा देते हैं, टारगेट में हटा दीजिए अगर जरूरत है तो। अब देखिए यहाँ पे दो कंपेयरिंग आ गई, एक आपका आ गया, मैं राइट क्लिक करके इस पर एड डेटा लेबल कर देता हूँ, राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा लेबल, और इसमें हम सीरीज नेम दे देते हैं, और थोड़ा और बेटर दिखाने के लिए इसकी अलाइनमेंट में जाते हैं और इसको हम रोटेट कर देते हैं। यहाँ हम आउटसाइड है इसको सेंटर कर देते हैं, तो बीच में आएगा, इनसाइड करेंगे एंड तो एंड में आएगा। तो जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हैं। इसको हमने, और इस पर भी राइट क्लिक करके हम यहाँ पे ऐड डेटा अवेलेबल, और इसको सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा लेबल, इसका सीरीज नेम देते हैं, और फिर अलाइनमेंट में भी इसको भी हम कर देते हैं ताकि क्रॉस ना हो, साफ सामने दिखे, और बाकी और जो कुछ करना चाहते हो आप कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको फिल में सॉलिड फिल, इसको हम ब्लैक कर देते हैं, और इसकी जो टेक्स्ट कलर है यहाँ से टेक्स्ट कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, वाइट कर दिया, अब बेटर दिखेगा। तो इसमें क्या हुआ, अब यहाँ देखिए कि मैं अगर नीरज को सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए नीरज आ गया, कविता सेलेक्ट किया तो मेरा कविता ही, कविता ये जो पहला नेम है, कविता जो हमारा है या जो पहले हमारे कॉमो बॉक्स का है वो सेम नहीं हो रहा, हमें इस यहाँ पे चेंज हो रहा है।
तो हम दो फीचर के अकॉर्डिंग इस तरह से कंपेयरिंग करने लिए हम कॉम्बो बॉक्स करना चाहे या लिस्ट बॉक्स करना चाहे कर सकते हैं। ओके सर, तो लिस्ट बॉक्स और टारगेट का ऑप्शन लगाना समझ में आया? वो कॉम्बो बॉक्स वही जो मैंने कल बताया था। चलिए दोबारा आप दूसरे एग्जांपल समझाते हैं। तो कॉम्बो बॉक्स वही है जो मैंने कल की क्लास में एक्सप्लेन की थी। चलिए मैं दोबारा कॉम्बो बॉक्स समझा देता हूं। चलिए हम यहाँ पे वन लेते हैं, यहाँ पे इक्वल करके ऑफसेट का फॉर्मूला देंगे। ऑफसेट का फॉर्मूला में ऊपर वाले को सिलेक्ट करेंगे, रो को ये जो नंबर हमने दिया इस नंबर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ जीरो कर देंगे। आगे ड्रैग करने से पहले हम इसको फ्रीज करेंगे और फिर इसको आगे की तरफ ड्रैग करेंगे। फिर डेटा को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ चार्ट बनाइए और इस चार्ट के ऊपर आप जाइए डेवलपर में और जाइए इंसर्ट या अपना कॉम्बो बॉक्स सेलेक्ट करें, कॉम्बो बॉक्स को राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, रेंज में आइए, रेंज में अपनी लिस्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और सेल लिंक जो नंबर जहां पे वन लिखा था उसको सेलेक्ट कर दीजिए, थ्री डी करके ओके कर दीजिए। अब जो यहां सेलेक्ट करेंगे उसका सीक्वेंस नंबर यहां पे डालेगा, उसके हिसाब से आपका ऑफसेट फॉर्मूला डेटा देगा और चार्ट अपने आप को अपडेट करेगा। ये सारे एग्जांपल समझ में आ गए आप लोगों को? किसी को डाउट तो नहीं है? हेलो, चलिए हम बात करेंगे रेडियो बटन्स के बारे में। चलिए मान लीजिए इसी को मैं यहां से हटाता हूं। और मैं चाहता हूं मंथ वाइज, मतलब कि मैं हर एक पर्सन के लिए एक एक महीने का मुझे चार्ट चाहिए। मैं जैन फेब मार्च इस तरह से हम अब एक एक महीने का चाहते हैं। तो सेम मैं यहां पे वन लिखूंगा और यहां हम ऑफसेट का फॉर्मूला देंगे। ऑफसेट के फॉर्मूला में हमने इसको सेलेक्ट किया कॉमा, रोज में हमने जीरो कर दिया कॉमा, कॉलम्स में हमने इसको सेलेक्ट करके एंटर। यहाँ पे हमने इस पर इससे पहले जो यहाँ फॉर्मूला लगाया था ऑफसेट के, उसमें हमने ये जो नंबर हम जहाँ टाइप करते थे वहाँ पे हमने रो में सेलेक्ट किया था, बट इस वाले ऑफसेट फॉर्मूला में हमने उसको कॉलम में सेलेक्ट किया। B17 को हमने फ्रीज करके और नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। तब होगा क्या कि मैं यहाँ पर अगर 2 टाइप करूँगा तो फैब का आएगा, 3 टाइप करूँगा तो मार्च का आएगा, 4 टाइप करूँगा तो अप्रैल का आएगा। अब यहाँ हम इस पे चार्ट बनाते हैं, इंसर्ट करके इस पे हम चार्ट बनाते हैं। उसके बाद हम यहां पे डेवलपर टैब में आते हैं, इंसर्ट, और यहां आपके सामने बटन्स है। इन बटन्स का रेडियो बटन्स को हम यहां पे ड्रैग करते हैं। इसमें हम देते हैं जैन, एक को डिफाइन कीजिए अपने हिसाब से छोटा कर लीजिए, फिर राइट क्लिक करिए इस पर फॉर्मेट कंट्रोल, इसमें 3D सेटिंग और सेल लिंक में आप इसको दे दीजिए, बस एक ही को देना है। अब आपको क्या करना है, इस पर आप कंट्रोल के साथ क्लिक करें और कंट्रोल के साथ इसको ड्रैग कर दें
एक कॉपी बन जाएगा, ये आपका फैब आ जाएगा, ये आपका मार्च, ये आपका अप्रैल, मई, जून। अब अपने हिसाब से इसको सही तरीके से अरेंज कर लें और आप इसमें चेंज करते रहें। ये फैब, एडिटेक्स, मार्च, यहां पे एडिटेक्स, अप्रैल, मई, ओके अब देखिए जैन को सिलेक्ट कीजिए, फैब, मार्च। इससे क्या होगा कि जैसे हमने जो भी कॉम्बो बॉक्स क्या बोलते हैं रेडियो बटन बनाया, ऑप्शन बटन बनाया है, तो पहले वाले ऑप्शन बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ वन प्रिंट करेगा, दूसरे वाले पे क्लिक करूंगा तो ये टू करेगा, तीसरे वाले पे क्लिक करूंगा तो थ्री करेगा, और उस तरह से सिक्वेंसली नाम यहाँ पे आ जाएगा। ओके तो ये ऑप्शन बटन समझ में आया आपको? इसमें एक भी आता, एक में आप नेक्स्ट प्रीवियस का भी लगा सकते हैं, यहां पे ड्रैग कीजिए, ये आपका नेक्स्ट और प्रीवियस का होता है। इसमें टेक्स्ट बॉक्स में मदम से कुछ लिखना चाहते हो जैसे कि मैं यहां पे टेक्स्ट बॉक्स लिया और यहां ऊपर डिजाइन कर देता हूं नेक्स्ट, यहां पे आप नीचे डाल दीजिए इसको। अब इसमें जो स्पाइन बटन है, एक मिनट, ये स्पाइन बटन है उस पर आप कंट्रोल करके जाएं, मिनिमम वैल्यू हमारी 1 है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 12, हर चीज पे एक चेंज हो, और 3D सेटिंग में हमने इसको सेलेक्ट कर लिया एंड ओके। अब इसी क्या हुआ कि मैं यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट और यहाँ से प्रीवियस करेंगे, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स लगाया है, इसको थोड़ा सा आप फॉर्मेट वगैरह कर लेंगे तो ज़्यादा अधिक अच्छा दिखेगा, मैंने तो ऐसे ही डाल दिया है, बट आप इसको अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो पुनीत जी, अतुल जी, समझ में आया आपको? डाउट तो नहीं इसमें? ओके इसमें इसी तरह से इसमें स्क्रॉल बटन भी है दिया हुआ, यहां स्क्रॉल बटन दिख रहा है आपसे, स्क्रॉल बटन भी है इसमें, तो स्क्रॉल बटन भी सेम प्रीवियस की तरह होता है, नेक्स्ट प्रीवियस दिख रहा है ना, इसके तरह ही होता है। आप इस पर स्क्रॉल भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल में गए, इस पर हमने मिनिमम वैल्यू 1 कर दी, मैक्सिमम वैल्यू मैंने यहाँ पे 12 कर दी, इंगेजमेंट दिखा दिया और यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ से भी आप इस तरह से ड्रैग करेंगे तो आपकी वैल्यू चेंज हो रही है ना सर, देख रहे हैं ना, तो ये भी आपका स्क्रॉल की तरह होता है। तो इन सब का यूज जो है डैशबोर्ड्स पे हम लोग ज़्यादा करते हैं और इसमें हमें प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वीवी को सीखने से पहले बताना जरूरी है ताकि आपको कभी इस तरह काम मिले तो आप डिसाइड कर सके कि हमें इसमें वीवीए सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, ठीक है, क्लियर है? कोई क्वेश्चन बना तो नहीं आप लोगों को इससे? ओके अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, आपको जाना है फाइल में और जाना है न्यू चार्ट, न्यू पे, ठीक है।
न्यू पे जब आते हैं आप, तो एक एक टैंपलेट है, मैं वो टैंपलेट आपको दिखा रहा हूं। प्रोजेक्ट प्लानर करके आता है, या राइट दिख रहा है सर, प्रोजेक्ट प्लानर। आपको ऐसा ही एक फाइल अपनी हिसाब से बनाना है। इसमें फॉर्मूले और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया गया है। अब क्या है एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे एक्टिविटीज हैं, यहाँ पे प्लान स्टार्ट है कि भाई इस एक्टिविटी का प्लान कब स्टार्ट हुआ था, और प्लान जो है कितना प्लान, कितने दिन का, मतलब कोई काम जो है हमने 1 तारीख से स्टार्ट की और हमने 5 दिन का ड्यूरेशन रखा, ये प्लान किया हमने कि भाई जैसे ट्रेनिंग हुई ना कि मैंने 1 तारीख से स्टार्ट की और मैंने प्लान की थी 5 तारीख 5 दिन के अंदर मैं खत्म कर दूंगा। बट ऐसा हो सकता है कि 1 से स्टार्ट ना हो, 2 से स्टार्ट हो या जल्दी स्टार्ट हो। तो यहाँ पे आपका आ गया एक्चुअल स्टार्ट, कि एक्चुअल कब स्टार्ट हुआ और एक्चुअल ड्यूरेशन कितना है, और प्रोजेक्ट अभी तक कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर मैं 30% करता हूँ तो कोई चेंज नहीं है, 40% कोई चेंज नहीं है, 50% 50% करते हैं, देख रहे हैं एक सेल से दूसरे सेल चला गया। 60% करूंगा कोई चेंज नहीं है, हाँ 75% किया तो फिर 3 सेल में आ जाएगा, क्योंकि 4 को इसने डिवाइड किया हुआ है, दिख रहा है सर। अब मैं एक्चुअली मैं 6 दिन कर देता हूं तो देखिए दिख गया ना कि 70% में 4 दिन का काम हो चुका है सर। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग से किया गया है। इसमें इन्होंने कई सारे कलर किया है, जैसे पहला इन्होंने ए पहला जो हुआ हाईलाइट कि कौन सा पीरियड चल रहा है। जैसे मान लीजिए आज आज की तारीख जो है वो आज की तारीख 3 तारीख है, तो तीसरे दिन हाईलाइट होगा। या मान लीजिए कि मेरा आज जो है 9वां दिन चल रहा है, तो 9वें दिन हाईलाइट होगा। या आज मुझे मान लीजिए 24वां दिन चल रहा है, तो 24वां हाईलाइट होगा। तो जो हाईलाइट पीरियड करेंगे वो हाईलाइट करेगा आपको यहाँ पे। दूसरा है प्लान ड्यूरेशन, कि प्लान की ड्यूरेशन क्या है। आप देखिए कि जितना भी प्लान की ड्यूरेशन है उतना इसको कलर किया गया है। एक्चुअल स्टार्ट कब हुआ उसका ये है, आप एक बार इसको एक्चुअल इसको अगर आप डिलीट कर दें तो ये दिखेगा आपको। उसके बाद कितना परसेंट कंप्लीट हुआ, एक्चुअल प्लान कब हुआ था और कितना परसेंट कंप्लीट बचा हुआ है, इसका कितना करना बचा हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट प्लानर को रेफरेंस में लेते हुए आप लोग खुद बनाएंगे, अपना के भेजेंगे। ये आपको आपके एक्सेल हेल्प से मिल जाएगा, सर्च कीजिएगा प्रोजेक्ट प्लानर आपको दिख जाएगा। ठीक है,